Hello everyone. At this class, I want to discuss one important part of vector algebra, that is projection of a vector on a line, or you can say projection of a vector along a directed line. Okay, so here I am given four figures. I have given total four figures, lेकिन मेन फिगर यही है, फर्स्ट वन. एक्चुअली ये मैं फोर क्वाड्रेंट्स का स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गया तो नो नीड टू चेक द नेक्स्ट थ्री क्वाड्रेंट्स, राइट. एक ही फिगर देखने से हो जाएगा. ये मैं टोटल फोर फिगर दिया, इसमें से फर्स्ट वन इज द मेन ओनली. ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा मैं डायग्राम बाद में देखना है, पहले थोड़ा सा नोट्स देख लो, उसके बाद में डायग्राम में जाऊंगा, राइट. स्टेप बाय स्टेप, लेट ए वेक्टर ए बी बार मेक एन एंगल थीटा, लेट ए वेक्टर ए बी बार मेक एन एंगल थीटा विथ ए गिवन डायरेक्टेड लाइन एल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी यहां से यहां तक जो मैं लिखा ये मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगा. क्या लिखा, ए वेक्टर ए बी बार मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए गिवन डायरेक्टेड लाइन एल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड यू नो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट फिगर, नो नीड टू चेक द नेक्स्ट थ्री फिगर्स, जस्ट फर्स्ट फिगर देखो, ऑटोमेटिक बाकी तीन फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है. ये मैं क्वाड्रेंट वाइज सेपरेट कर दिया, राइट. ओके, सो दिस इज ए बी बार, दिस ए बी बार मेक्स एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्टेड लाइन एल, दिस इज अनदर लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन एल, एरो मार्क दिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है. एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द एंगल ऑल्सो, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. वो ही लिखा है इस लाइन से, a vector AB bar makes an angle theta with a given directed line L in the anti-clockwise direction. Okay? Next, then the projection of AB bar, the projection of AB bar on the line L is a vector P bar. Say, the projection of AB bar on the line L is a vector, say any vector p bar with magnitude mod a b bar cos theta. Actually ye p bar ka formula hai. Ye p bar kya hai, what is this p bar, the projection of a b bar on a line l is a vector p bar. Matlab a b bar jo line l ke upar hai iska projection pakad liya ke ye p bar, okay, P bar, and this P bar is equal to mod of AB into cos theta. This is the formula of projection of a vector on a line. P bar is equal to mod of AB cos theta. Okay, and the direction P, this direction P is same to that of the line L. You can see the direction of line L also. It is along this, there is a positive x-axis, तो P का भी direction है positive x-axis में, ठीक है. The direction of P is same to that of the line L, depending upon whether cos theta is positive or negative, ठीक है. ये figure में L और P का direction same है, ये depend करता है cos theta का value के ऊपर. If cos theta is positive तो same direction में होगा, if cos theta is negative then opposite direction में हो सकता है, ठीक है. The vector P bar is called the projection vector. This P bar is called the projection vector. What is this projection? What do you mean by projection of vector on a line? That means here in this figure AB bar makes an angle theta with the directed line L in anti-clockwise direction. Okay? And the projection of AB bar on the line L is given by P bar. And P bar is equal to what? P bar is equal to
मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इमेज, मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा. ओके, देन द डायरेक्शन पी बार इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन डिपेंडिंग अपॉन कॉस थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव. द वेक्टर पी बार इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, पी बार का, दैट मीन्स मॉड दिया, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन द डायरेक्टेड लाइन एल. ठीक है, इस ये सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम के हिसाब से जो मैं नोट्स लिखा वो क्लियर हुआ कि नहीं वो देखना है. ठीक है, यहां तक ठीक से समझ में आने से, ये फॉर्मूला तक ठीक से समझ में आने से हो जाएगा, बाकी तो ये सब कंडीशन है. ठीक है, पी बार इज कॉल, पी बार इज कॉल द प्रोजेक्शन वेक्टर, वेयर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार इज कॉल द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी बार अलोंग द डायरेक्टेड लाइन एल. ओके, अभी ये फिगर के बाद जो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ किया, अभी मैं सिर्फ फिगर एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट फिगर में कंडीशन में दे दिया थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री. फर्स्ट फिगर का कंडीशन क्या है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है. यू कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज, हियर आल्सो डायरेक्शन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज, थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180. द थर्ड वन, थीटा लाइज बिटवीन 180 एंड 270, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में है, इट इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Theta lies between 270 and 360. That means it is in fourth quadrant. Here also, theta is in anti-clockwise direction. ठीक है, ये तीन figure इतना important नहीं है. First figure थोड़ा ठीक से देखना है. First figure के ऊपर depend करके ये मैं notes लिखा. ठीक है, this is all about your projection of vectors. That is the meaning of projection of vector. Now there are some important results. Some important results of projection. ऑफ ए वेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट वन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी कैप. फिर से मैं डायग्राम में जा रहा हूं और एक बार बोल रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी कैप. ए बार ऑन बी बार का मतलब क्या है, यहां पे ए बी किसके ऊपर है, एल के ऊपर है ना, सो दैट्स व्हाई इफ यू कंसीडर दिस इज ए बार, दिस इज सपोज ए बार एंड दिस वन इज सपोज बी बार, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी कैप. व्हाट इज दिस कैप, इट्स अ यूनिट वेक्टर, सो ए डॉट बी कैप इज इक्वल टू, यू कैन राइट ए डॉट बी बार बाय मॉड बी, यस और नॉट, ए डॉट बी बार बाय मॉड बी, बिकॉज बी कैप का फॉर्मूला तो यही है ना, यस, सो यू कैन एड ए डॉट बी कैप एंड विच इज इक्वल टू ए डॉट बी बार बाय मॉड बी. ओके, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, अगर ए बार ऑन बी बार का फॉर्मूला याद रहेगा तो बी बार ऑन ए बार भी याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है. प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार विल बी बी डॉट ए कैप, मतलब जिसके ऊपर, जो लाइन के ऊपर वो वेक्टर होगा उसमें हमेशा कैप होगा. यहां पे देखो ए बार किसके ऊपर है, बी बार के ऊपर, तो जिसके ऊपर है उसमें कैप होता है. सेकंड में बी बार ऑन ए बार, मतलब बी बार ए बार के ऊपर है, तो इसलिए बी डॉट ए कैप, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए बार बाय मॉड ए. ओके, सो ये फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है वन मार्क का. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार और बी बार ऑन ए बार इंपॉर्टेंट है. ओके, द सेकंड वन, द वेक्टर प्रोजेक्शन, अच्छा और एक बार, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है दिस इज स्केलर प्रोजेक्शन. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज स्केलर प्रोजेक्शन, बिकॉज हियर आई एम यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. इन द लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट डॉट और स्केलर प्रोडक्ट. ओके, सो यहां पे डॉट डॉट है, इसीलिए बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. द सेकेंड रिजल्ट इज द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. ओके, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए डॉट बी बाय मॉड बी इन टू बी बाय मॉड बी. फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ए डॉट बी बाय मॉड बी इन टू बी बाई मॉड बी. अभी तुम लोग पूछ सकते हो यहाँ पे भी तो डॉट यूज किया, लेकिन यहाँ पे डॉट यूज किया ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो
प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन में नहीं था, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट में नहीं था, राइट? ओके, सो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी इंटू मॉड बी स्क्वायर. ओके, सो दिस इज वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट. इसमें जो फॉर्मूला है ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर ए बार इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन एज, डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. ये मैं फर्स्ट क्लास में नोट्स अपलोड कर दिया था अबाउट डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट एंगल्स, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, राइट? सो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर ए बार इक्वल टू दिस, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन एज कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप बाई मॉड ए इंटू मॉड आई कैप. दैट मीन्स ए डॉट आई कैप, आई कैप मीन्स इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, यस और नॉट? डायग्राम में जनरली आई कैप का डायरेक्शन कहां पे होता है? अलोंग ओ एक्स. तो इसीलिए ओ एक्स है तो आई कैप डॉट आई कैप, वी ऑल नो आई कैप डॉट आई कैप इज वन डॉट प्रोडक्ट, तो इसीलिए तो ए वन रहेगा ना, ए डॉट आई कैप रिजल्ट ए वन ही रहेगा, यस और नॉट? बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप इज वन. ओके, सो ए वन बाय मॉड ए. वाई ए वन बाय मॉड ए? बिकॉज I cap is a unit vector, so that's why we know magnitude of any unit vector is always 1. Similarly, cos beta is equal to A dot J cap. Why cos beta is equal to A dot J cap? Because cos alpha, cos beta and cos gamma along OX, OY and OZ. इसीलिए OY में हमेशा J cap होता है along Y axis, right? तो इसीलिए A dot J cap by mod A into mod J cap. So that's why A2 by mod A. Cos gamma is equal to A dot K cap by mod A into mod K cap. Mod K cap का value 1 है, तो इसीलिए denominator में सिर्फ mod A रहेगा. What about numerator? Why it is only A3? Because A के साथ क्या multiply हुआ? K only. तो K cap dot K cap is 1 ना? So 1 into A3, that is A3 only. बाकी दो term तो 0 हो जाएगा. Because we know I dot J, J dot K, K dot I is equal to 0. Right? So, these are the direction cosines if alpha, beta and gamma are the angles of a vector. ठीक है, अभी यहां से मैं derive कर सकता हूं और एक formula, that is, see, if cos alpha is equal to a1 by mod a, therefore we can write a1 is equal to mod a into cos alpha, A2 is equal to mod A into cos beta, A3 is equal to mod A into cos gamma. Yes? So, mod A cos alpha, mod A cos beta, mod A cos gamma, these are what? These are the projections of the vector A bar. Because projection of a vector P bar is equal to formula kya tha? Mod AB cos theta, yes or not? AB, AB is a vector, so A bar is a vector only, na? Yes? So, mod A cos alpha, mod B cos beta, mod A cos gamma, these are nothing but what? The projections of the vector A bar, right? So, therefore, the vector A bar is equal to, we can write, replace A1 by this one, that is, mod A cos alpha I cap plus mod A cos beta J cap plus mod A cos gamma K cap. Just you have to replace A1, A2 and A3 by these three values. That's it. So therefore we can write this A bar equal to this one. Okay. So यहाँ से ये formula derive हुआ और ये सब values ये A1, A2 और A3 के जगह में put करने से ये vector मिलेगा. Okay, so this is all about projection of a vector on a line. Results are very, very important. Ye results yaad rakhna padega, theek hai? I will discuss questions, numericals, tab aur clear ho jayega because this is the new topic and important also. Okay.
So after projection of vector along a directed line, now I will discuss the vector or cross product of two vectors. Already I have explained what is a scalar product and the important results of scalar product. So now I will discuss vector or cross product of two vectors. Okay. So see this diagram. Here n cap. This n cap is a unit vector which is perpendicular to a bar and b bar. Okay, this n cap is a unit vector which is perpendicular to both a bar and b bar. Theta is directed from a to b. You can see it is in anti-clockwise direction. Okay, n cap is perpendicular to both a bar and b bar, and theta is directed from a to b. Okay. So, वही मैं लिखा यहाँ पे let a bar and b bar be two non-zero non-parallel vectors. Whether these two vectors are parallel vectors? No. So these two vectors a bar and b bar are non-zero non-parallel vectors. And also let theta be the angle between them. Yes, theta is the angle between a bar and b bar, and which is directed from a to b. Yes, that means it is in anti-clockwise direction. ओके okay? और ये जो n कैप का डायरेक्शन है इट इज अबव द पेपर. ओके n कैप इज अबव द पेपर. n कैप इज डायरेक्टेड अबव द पेपर. यू कैन सी द डायरेक्शन इट इज अबव द पेपर. ओके हियर वन कंडीशन इज गिवन जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई जो थीटा का कंडीशन है. ओके देन द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b व्हिच इज डिफाइंड एज the vector whose magnitude is mod a mod b sin theta. So what is the definition of a cross b? The vector or cross product of a cross b is defined as a vector whose magnitude is mod a mod b sin theta. Abhi tum log puch sakte ho where is n cap? I will come to that point also. Okay, n cap is the unit vector perpendicular to both a bar and b bar, right? And since n cap is a unit vector, we can say that that magnitude of n cap is always 1. Yes? Okay. That is, a cross b is equal to, the actual formula is a cross b is equal to mod a mod b sin theta n cap. The definition of a cross b. Okay. So, if you take modulus, that is magnitude, then magnitude of a cross b will be magnitude a magnitude b sin theta. Where is this n theta? Sorry, there is n cap. Mod n cap is always equal to 1. Unit vector hai. So mod of a cross b equal to mod a mod b sin theta. Wohi yahan pe likha. Is defined as the vector whose magnitude is. Whose matlab kiska magnitude? A cross b ka magnitude. So a cross b ka magnitude matlab magnitude of mod of a cross b, yes or not? If a cross b equal to mod a mod b sin theta n cap, then mod of a cross b equal to kya likha? Mod a mod b sin theta n cap. Kyun nahi hai? Because mod n cap is equal to 1. Theek hai, confusion mat rakhna. Actual formula this one, but if you take mod, so that means mod of a cross b is equal to mod a mod b sin theta. ठीक है वही यहाँ पे mention किया the vector or cross product of a cross b is defined as the vector whose magnitude, whose मतलब a cross b का magnitude which is mod a mod b sin theta. Okay, and whose direction is perpendicular to the plane of a and b in such a way that a b and its direction constitute a right-handed system. So this is one right-handed system. A B and its direction. A B and its direction means here A B and N cap. A B and N cap constitute a right-handed system. Okay. So this is the definition of A cross B. That means the vector or cross product of two vectors. From the main formula, we can find the angle formula also, because the main formula is a cross b equal to mod a mod b sin theta n cap. Yes, what is this n cap? N cap is the unit vector perpendicular to both a bar and b bar. If you take mod on both sides, the actual definition,
mod of a cross b equal to mod a mod b sin theta, because we know mod of n cap is 1. So sin theta is equal to mod of a cross b by mod a into mod b. So this is the angle formula. ये definition से angle formula को derive कर सकते हैं, जैसे कि dot product में derive किया था cos theta का, ठीक है? तो this is in case of cross product. Sin theta is equal to mod of a cross b by mod a mod b. Okay? So here n cap is directed above the paper. और कुछ points है, इसीलिए मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ ये diagram, ठीक है? Now there are some important results on vector product. The first one is, if A bar or B bar is equal to 0, then A cross B is equal to 0 bar. यहाँ पे मैं direction क्यों दिया 0 के ऊपर? Because it is a vector product. And vector means what? Which have magnitude as well as direction. But in case of dot product, generally we will not give this direction, right? So vector product में देने से actually क्या होता है कि vector means which have direction also, magnitude के साथ direction भी होता है, इसीलिए a cross b equal to 0 bar दिया. Okay, if a bar equal to 0 or b bar equal to 0, then a cross b is equal to 0 bar. The second point is, if a and b are collinear, if a bar and b bar are collinear, that is, collinear होने से क्या-क्या angle हो सकता है, theta may be 0 or pi. Here the condition is given, 0 less than equal to theta less than equal to pi. So if a bar and b bar are collinear, that is, if theta is equal to 0 or pi, then we define a cross b is equal to 0. ठीक है? So it may be collinear or parallel. ठीक से सुन लेना है, second point. If a bar and b bar are collinear or if a bar and b bar are parallel, the condition is a cross b is equal to 0. That means if theta is equal to 0 or pi, we can define a cross b equal to 0 bar. Clear हुआ? Collinear parallel का condition same है, a cross b equal to, अगर parallel हुआ तो a cross b equal to 0, right? In case of dot product, if a dot b is equal to 0, then a and b are perpendicular to each other. वो मैं dot product में बताया था, ठीक है? And this is cross product. If a cross b equal to 0, then a and b either collinear or parallel. Okay, the third point is, a cross b is a vector quantity. Of course, a cross b is a vector quantity. ये तो सबको मिल गया था class 11 में. A dot b always gives a real number. So that's why the dot product is always a scalar quantity. But a cross b is always a vector quantity, because a cross b का calculation कैसा होता है? If a bar and b bar are given with components, then how to calculate a cross b? Like determinant form mein, yes or not? I cap, j cap, k cap, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये values दिया हुआ है a bar and b bar में. तो फिर क्या करना पड़ता है? Determinant के जैसा expansion करना पड़ता है ना? So after expansion, you will get the value in terms of I cap, j cap and k cap. तो इसीलिए तो a cross b is always a vector quantity बोला जाता है, because इसमें i, j, k cap रह जाता है, whereas in dot product i, j, k कुछ नहीं रहता है, because i dot i, j, k dot k is always equal to 1, right? So the third point is, a cross b is always a vector quantity. The fourth one is, if theta is equal to pi by 2, ये बहुत interesting part है, if theta is equal to pi by 2 or 3 pi by 2, then a cross b equal to mod a mod b n cap, or a cross b is equal to mod a mod b minus n cap. Q. See, when theta is equal to pi by 2, then a cross b is equal to mod a mod b n cap. When theta is equal to 3 pi by 2, then a cross b equal to mod a mod b minus n cap. Q ऐसा होता है? Okay. ये point में मैं आ रहा हूँ.
see these two figures, figure 1 and figure 2. ऑलरेडी फिगर वन का मैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में डेफिनेशन में दे दिया था. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, राइट? ओके, हियर इन फर्स्ट फिगर वी कैन से दैट एन कैप इज डायरेक्टेड अबव द पेपर, वेयर एज हियर आई विल राइट एन वन, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा. इन द सेकेंड फिगर वी कैन से दैट एन वन कैप इज डायरेक्टेड बिलो द पेपर, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिगर्स, राइट? और एक डिफरेंस है, इसमें थीटा क्या है, इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, वेयर एज इन दिस केस थीटा इज डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए एंड इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट फिगर वी कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड कैप, यस और नॉट? Whereas from the second figure, we can say A cross B is equal to, एक बात मैं बता देता हूं ये formula लिखने से पहले, since n1 cap is directed below the paper, therefore n1 cap is equal to minus n cap, because opposite direction में n is above the paper, n is directed above the paper, whereas n1 cap is directed below the paper. So therefore we can say n1 cap is equal to minus n cap. So if a cross b equal to mod a mod b sin theta and k from first figure, so from the second figure we can write b cross a is equal to, why I'm writing b cross a, why not a cross b? Because in the second figure theta is directed from b to a, not a to b. Since it is directed from b to a, तो इसीलिए b cross a लिखना पड़ेगा. So b cross a is equal to mod a mod b sin theta n1 cap. Yes, mod a mod b sin theta n1 cap. But since n1 cap is equal to minus n cap, so therefore here we can write minus mod a mod b sin theta n cap, yes or not? So a cross b equal to mod a mod b sin theta n cap, whereas b cross a is equal to minus of mod a mod b sin theta n cap. So therefore we can write a cross b is equal to minus b cross a. Okay, this is also one important property, important result of vector product. A cross b is always equal to minus b cross a, means we can say that cross product is not commutative. Dot product is commutative. We know A dot B is equal to B dot A. But cross product is not commutative. That means A cross B is not equal to B cross A. A cross B is always equal to minus of B cross A. And why it is minus of B cross A? This is the reason. ये जो मैं दो diagram दिया, important है, diagram देखने से पता चलेगा. Why A cross B is equal to minus B cross A. ठीक है? So this is all about your property number 4. It is not a property, result number 4. ठीक है? Theta equal to 90. That means when it is perpendicular. Theta equal to 3 pi by 2. 3 pi by 2 means what? 270 degree. So 270 degree होने से ये minus n cap होता है. वही लिखा. Property number 4 का explanation है ये. ठीक है? और ये explanation से यही confirm होता है कि cross product is not commutative. Okay? In both the cases, the magnitude of the vectors A cross B is same, but directions are opposite. वही तो explain किया, जो reading से मैं लिखा, क्या लिखा? In both the cases, the magnitude of the vectors A cross B same. Magnitude of the vectors A cross B, magnitude A, magnitude B, उसका value same होता है. But the directions are opposite. Directions are opposite, इसीलिए तो negative sign आया. ठीक है? Yes, यहाँ पे n cap is directed above the paper, n1 cap is directed below the paper. So opposite direction में है, इसीलिए result negative में है. ठीक है? The last one is, for mutually perpendicular orthogonal unit vectors, mutually perpendicular orthogonal means perpendicular, orthogonal means perpendicular, for mutually perpendicular orthogonal unit vectors I cap, j cap and k cap, we can write I cross I, J cross J, K cross K is always equal to 0 bar. But in case of dot product,
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू वन होता है. क्यों? बिकॉज इन दैट केस व्हाट, थीटा हमेशा जीरो होता है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज ऑलवेज वन. बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो, के क्रॉस के इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. वाई? बिकॉज इन दिस केस थीटा इज जीरो. सो इफ थीटा इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज जीरो ओनली. सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम कंपोनेंट हुआ तो सेम यूनिट वेक्टर होने से जीरो होता है. डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर होने से वन होता है. नाउ यू सी दिस डायग्राम, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? आई कैप, जे कैप, के कैप. सो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन राइट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप द वैल्यू. ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में यूज होता है. आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप. ठीक है, अगर ये डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर दू तो क्या हो जाएगा? जे क्रॉस के, जैसे मैं यहां पे ए क्रॉस बी, मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी था. अभी यहां पे नेक्स्ट केस में बी क्रॉस ए क्यों हुआ? बिकॉज थीटा इज डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए. यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था, यहां पे क्लॉकवाइज था. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, इफ आई चेंज द डायरेक्शन, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कर दूंगा तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? आई क्रॉस जे विल बिकम जे क्रॉस आई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के कैप. ओके, नेगेटिव हो जाता है अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो. आई क्रॉस जे इक्वल टू के, बट जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के. सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल टू आई, ऑफकोर्स जे क्रॉस के इक्वल टू आई. इसको अगर डायरेक्शन चेंज कर दू तो दैट मीन्स के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप. के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे. ठीक है, चेंज द डायरेक्शन तो फिर आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे कैप. ठीक है, इफ यू टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वैल्यूज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट इफ यू चेंज द डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज करने से वैल्यूज हमेशा नेगेटिव में आता है. वही किया यहां पे. दैट मीन्स दिस रिजल्ट ऑल्सो वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली. ओके, इफ इट इज डायरेक्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, इफ इट इज इन एंटी क्लॉक, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में यूज होता है. ठीक है, सो ये सब रिजल्ट देखना है. आई विल कम सम मोर पॉइंट, आई विल डिस्कस सम मोर पॉइंट. ओके, so let us discuss some applications of vector product of two vectors. ठीक है, so vector product के applications क्या क्या है? बहुत easy है actually. vector products are generally used to find the area of some geometrical figures. okay, vector products are generally used to find the area of some geometrical figures. first one is area of triangle. by using vector product we can find the area of a triangle. so the area of triangle ABC having adjacent sides A bar and B bar, adjacent sides diya rehna padega question mein, right? having adjacent sides A bar and B bar is given by half of magnitude A cross B. okay, where A bar and B bar are what? these two are the adjacent sides. okay, A bar is equal to CB and B bar is equal to CA. ठीक है, second one is area of a parallelogram. तब area of a parallelogram कैसे find out करना है? दो condition है इसका. the area of a parallelogram having adjacent sides A bar and B bar is given by magnitude of A cross B. okay, the area of a parallelogram having adjacent sides A bar and B bar is given by mod of A cross B. here also adjacent sides should be given, that is like this figure. you see AB equal to small letter A bar, whereas AD is equal to small letter B bar. so these two are adjacent sides or not? Roman 2, same area of a parallelogram का दो condition है बोला. तो first condition में explain किया जब adjacent sides दिया रहता है. Roman 2 क्या है? the area of a parallelogram having diagonals, when the diagonals A bar and B bar is given, जब diagonal दिया रहता है then formula is half of magnitude A cross B. okay, half of magnitude A cross B means here AC bar, AC bar is equal to, how many diagonals are there? two diagonals AC and BD. so AC bar is equal to say small letter A bar, whereas BD bar is equal to say small letter B bar.
So the area of a parallelogram having diagonals A bar and B bar is given by half magnitude A cross B. Okay. So these are the applications of vector products. Some more interesting formulas are there, but before that I will discuss some basic questions, the basic numericals. Okay. So let us discuss the first numerical on vector product. Actually vector product kya hai? Vector product is the vector product of two vector is always what? A vector quantity. Why it is called a vector quantity? Main ek chota sa example de dunga abhi. Theek hai? Say A bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and B bar is equal to minus I cap minus j cap minus k cap. Then find A bar cross B bar. Since we know vector product is a vector quantity, so A cross B find out kaise karna hai? A cross B is equal to I cap, J cap, K cap. Then put the coefficients of I, J and K. 1, 2, 3. -1, -1, -1. Then you know how to expand. I cap into, delete the position of I cap. 2 into -1, that is -2. बीच में हमेशा माइनस साइन होता है, लेकिन माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. माइनस जे कैप, यू हैव टू यूज ऑलवेज ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस. जे कैप इंटू, डिलीट द पोजिशन ऑफ जे कैप. 1 into -1 is -1. -1 into 3 is माइनस माइनस प्लस 3. प्लस के कैप इंटू, नाउ डिलीट द पोजिशन ऑफ के कैप. 1 into -1 दैट इज -1 प्लस 2. Actually minus 1 into 2 is minus 2, लेकिन बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 3 minus 2 1, दैट इज आई कैप. 3 minus 1 2, दैट इज -2 जे कैप. 2 minus 1 1, दैट इज के कैप. सो द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is always a vector quantity, because इसमें i cap, j cap, k cap है, लेकिन dot product में i, j, k नहीं रहता है, इसीलिए तो बोलते हैं dot product is always a scalar quantity, whereas vector product is a vector quantity only. ठीक है? Dot product is commutative, a dot b is equal to b dot a, but cross product is not commutative. Already I have explained why it is not commutative. A cross b is always equal to minus b cross a. Yes. So this is all about your vector product of two vectors. So in the next class I will discuss some numericals about vector product of two vectors. Okay, thank you for today. Let us discuss one question. If A bar, B bar and C bar are mutually perpendicular unit vectors, then show that magnitude of A bar plus B bar plus C bar is equal to root 3. ठीक है? So A bar, B bar and C bar are mutually perpendicular unit vectors. What does it mean? Mutually perpendicular unit vectors means A dot B is equal to B dot A, sorry, B dot C is equal to C dot A. This is equal to 0. Why I am writing 0? Because if A dot B is equal to 0, dot product jab 0 hota hai, tab kya hota hai? A is perpendicular to B. So since here 3 vectors are given and they are mutually perpendicular vectors, that's why we can write A dot B equal to 0, B dot C equal to 0, C dot A equal to 0. Okay? And A, B, C are what? Unit vectors. Mutually perpendicular to hai. Apart from mutually perpendicular, there is one word. Here it is used, that is unit vector. So since A, B, C are unit vectors, so we can write mod A is equal to mod B is equal to mod C. This is equal to 1. Unit vector means magnitude hamesha 1 hota hai. Okay, so these two conditions are given. They are mutually perpendicular unit vectors means magnitude of A bar, B bar, C bar 1 hoga. Mutually perpendicular hai, isiliye A dot B, B dot C, C dot A equal to 0. Okay. These two conditions are given. By using these two conditions, you have to prove that mod of A plus B plus C equal to root 3. So now how can we prove? So mod of A plus B plus C is equal to, since modulus is there,
वी कैन राइट स्क्वायर, मतलब मोडुलस हटाने के लिए वी नो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार, सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। मॉड हटाने के लिए ये स्क्वायरिंग किया मैं, ओके। नाउ एक्सपांड इट, ए डॉट ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। जस्ट एक्सपांड कर दिया सबको, ओके। नाउ वी नो मॉड ए इंटू मॉड ए इज, सॉरी, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर प्लस वी नो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी टू ए डॉट बी हो जाएगा। सिमिलरली ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी, सो इफ आई टेक टू कॉमन वी कैन राइट टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस मॉड बी स्क्वायर, बिकॉज बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर। सिमिलरली सी डॉट सी इज मॉड सी स्क्वायर, सो मॉड ए स्क्वायर, इफ मॉड ए इज इक्वल टू वन मॉड ए स्क्वायर का वैल्यू वन प्लस टू इन टू ए डॉट बी जीरो है, बी डॉट सी भी जीरो, सी डॉट ए इज ऑल्सो जीरो, सो टू इन टू जीरो प्लस अगेन मॉड बी स्क्वायर दैट इज वन प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू थ्री बिकॉज दिस इज दिस टाइम विल बी जीरो, सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू रूट थ्री, हेंस प्रूफ। सो ये दो कंडीशन यूज करके ही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ऐसा मॉड रहने से स्क्वायरिंग कर देना है तो फिर डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन यूज कर सकते हैं, राइट। वही मैं यूज किया डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन, सिंस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव वी कैन राइट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी टू ए डॉट बी, ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए टू ए डॉट सी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी टू बी डॉट सी, तो यहाँ पे इसलिए टू कॉमन लेके ये टर्म को एड कर दिया, प्लस बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर सी डॉट सी इज मॉड सी स्क्वायर, सिंस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सो दैट्स व्हाई देयर मैग्नीट्यूड्स ऑलवेज वन, वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन प्लस वन, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस नेक्स्ट।